नुहू पुलिस अधीक्षक श्री वरुण सिंगला व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती उषा कुंडू के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस है जो मेवात की, वो आए दिन दिन मॉडर्न हुई है। पहले की भांति अगर यातायात पुलिस की बात करें तो काफी जो बदली है मेवात की पुलिस। जहां पहले मेवात में ऑनलाइन जो चालान की एक परंपरा नहीं थी, अब मेवात की यातायात पुलिस पर सभी सुविधाओं से लैस मैं कहूंगा। और रही बात ये कि ऑनलाइन चालान के साथ साथ में ड्रिंक एंड ड्राइव के चालान जो लगातार किए गए हैं, और सर्दियों के मौसम की बात करें तो धुंध और कोहरे के समय करीब जो है रिफ्लेक्टर के अभियान जगह जगह चौक चौराहों पर चलाए गए। मेवात पुलिस द्वारा जहां जाम की स्थिति होती है, जैसे ही ट्रैफिक SHO पर फोन आता है, बड़कली चौक की बात करें, अडवर चौक की बात करें या अन्य किसी चौक की बात करें, तो जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है जो भली भांति लोगों को समझाकर और लोगों में अपने प्रति पुलिस के प्रति एक जगह बनाकर और पुलिस पब्लिक के बीच बनी आपसी खाई को दूर करने की नियत से जगह जगह अभियान चलाकर जहां यातायात पुलिस जो थाना प्रभारी हैं इंस्पेक्टर जगबीर सिंह जो जिले की इन दिनों कमान देख रहे हैं, यातायात के प्रति एक संघर्षशील ड्यूटी भी है। VIP ड्यूटी की बात करें या रोड पर ट्रैफिक नियमों को मनवाने की बात करें, काफी संघर्षशील जो ड्यूटी है और संघर्ष करते नजर आते हैं। दिल्ली अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात हो या कहीं और हो, अक्सर इस थाना प्रभारी से आप लोगों की मुलाकात जरूर होती होगी, लेकिन पहले की भांति अब जो है मेवात की यातायात पुलिस है, इनके राज में, मेवात के पुलिस कप्तान श्री वरुण सिंगला के राज में काफी पुलिस में जो है तब्दीली आई है। मैं तब्दीली कहूंगा कि जो ऑनलाइन परंपरा कहूंगा कि ऑनलाइन परंपरा संपूर्ण रूप से जो चालू कर दी गई है, और ऐसे में जो है ऑनलाइन चालान जिले में अब भली भांति हो रहे हैं। अगर आप लोग यानी कि टू व्हीलर व्हीकल पर हेलमेट नहीं लगा रहे हैं तो अब लड़ने झगड़ने की बात नहीं है, नहीं पुलिस आपको परेशान करेगी, बल्कि आपके नंबर प्लेट को कैप्चर किया जाएगा और आपके चालान आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। पोस्टल चालान की प्रक्रिया हो, NPR कैमरों की एक बड़ी सौगात मैं कहूंगा कि जिले की पुलिस को मिली है, जो मेवात के पुलिस कप्तान श्री वरुण सिंगला के मार्गदर्शन में खाकी द्वारा जो है मेवात जिले में अपराध की बात हो, यातायात की बात हो, आए दिन उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं। ऐसे में यातायात जिला प्रभारी इंस्पेक्टर जगबीर सिंह हमारे साथ हैं, ये बताएंगे आखिरकार सर पहले के भांति आज आप मेवात की यातायात पुलिस को कहां देखते हैं और किस तरीके से जो है काफी समय लगता है किसी भी चीज में। आज जो है इंटरनेट का जमाना है, ऑनलाइन सारी चीजें हो गई हैं, ऑनलाइन चालान कराए जा रहे हैं, पोस्टल चालान घर भिजवाए जा रहे हैं, तो सर इसका श्रेय आप किसको देना चाहोगे, क्या कहोगे? तो इसका श्रेय हम हमारे पुलिस अधीक्षक श्री वरुण सिंगला जी को जाता है, क्योंकि इनके आने से पहले हमारा जिला हर कार्य में ऑफलाइन था, जो इन्होंने आने के बाद सारे पुलिस वर्क को जो है ऑनलाइन किया है और चलानिंग के बारे में भी ऑफ ऑनलाइन चलानिंग, डिजिटल चलानिंग और पोस्टल चलानिंग जो इन्होंने जो शुरू किए हैं। तो सर कितना प्रभाव देखने को मिला है, पहले लोग हेलमेट लगाकर नहीं चलते थे, अब कुछ तब्दीली आई है मेवात जिले में? काफी हद तक इस बारे में लोगों में जागरूकता दिखाई दी है, क्योंकि पहले जो एक्सीडेंट होते थे उसकी अपेक्षा इस साल एक्सीडेंट कम हुए हैं, जिससे प्रति होता है कि अब लोग जो है कुछ हद तक ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने लगे। जनवरी की डाटे की बात करें तो जनवरी में जीरो टॉलरेंस जो सरकार का एक जो नियम चल रहा है, जीरो टॉलरेंस नीति के अनुसार जो चालान किए गए हैं, यातायात पुलिस ने कितने जनवरी के माह में जो चालान किए हैं? जनवरी माह में टोटल इस वर्ष 2023 में करीब 7,000 के करीब चालान किए गए हैं ट्रैफिक थाना द्वारा। पहले की भांति बात करें तो पहले 2022 में जनवरी में 2022 जनवरी में लगभग 1400 समथिंग चालान थे और इस वर्ष 7,000 समथिंग चालान है। तो सर ओवर स्पीड एक बड़ी समस्या है, दिल्ली अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें वैसे रोड संपूर्ण तरीके से टूटा हुआ है, फिर भी लोग फर्राटा भरते हैं, ऐसे में इनके खिलाफ जो है विशेष कानूनी कार्रवाई करते हुए आप लोगों ने पहले भी अभियान जो चला चुके हैं, तो इनके लिए अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो काफी समय पहले यहाँ जो दिल्ली अलवर हाईवे पर स्पीड के बोर्ड लगे हुए थे वो पेड़ों में छुपे हुए थे, तो लोगों को यहाँ नहीं पता था कि इस रोड के ऊपर भी स्पीड लिमिट निर्धारित है। जो हमने उन सभी बोर्डों को विजुअल कराया है जो पेड़ ढके हुए थे और जहाँ हमें आवश्यकता थी वहां पे और नए बोर्ड हमने लगाए, अब काफी हद तक लोगों को पता चल गया है अभी इस रोड पर भी स्पीड लिमिट है और लोग काफी हद तक जो है इस
नियमों को मानने लगे हैं। स्पीड वाली गाड़ी आप तो बहुत दूर से मंगाते हैं यहाँ, लोगों की सुरक्षा के लिए मैं कहूँगा कि ना कि कोई द्वेष भावना चालान की है, बल्कि किस तरीके से देखते हैं, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि भाई पुलिस ज्यादा से ज्यादा हमारे चालान कर रही, कोई द्वेष भावना। इंटरसेप्टर जो मशीन जिससे हम ओवर स्पीड में चालान करते हैं वो हमारे QMP थाने पर होती है, क्योंकि वो गाड़ियाँ ओवर स्पीड में चलाने में यूज होती है और VIP की पायलट में भी यूज होती है, अक्सर वहाँ VIP ड्यूटी होती रहती है, इसलिए उनको वहाँ दे रखा है। जब भी हमें जरूरत होती है हम वहाँ से बुला के और ओवर स्पीड चालान यहाँ करते हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव के चालान आपने यहाँ चालू किए, जो मैं तो 9 साल हमारी पत्रकारिता को करीब हो गए, मैंने कभी नहीं देखा कि मेवात में भी ड्रिंक एंड ड्राइव के किसी SHO ने चालान किए होंगे। तो कितने चालान ड्रिंक एंड ड्राइव के किए थे, कितने चालान जो ओवर स्पीड के चालान जो यहाँ हुए? ड्रिंक एंड ड्राइविंग के चालान हम महीने में लगभग 8-10 दिन करते हैं। मेरे पास एग्जैक्ट फिगर अभी नहीं है, मैं आपको जो बताऊं, बाकी हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं उनके चलाने के लिए, ताकि वो शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं और सुरक्षित अपने घर पर पहुंचे। तो बात करें यातायात पुलिस की, NPR ANPR कैमरों की मदद से भी जो है पोस्टल चालान घर भिजवाए जा रहे हैं, और जगह जगह नाकों पर भी, नाके भी आपके अंडर में आते हैं, ट्रैफिक के अंडर में आते हैं, जो भी नाके लगे हुए हैं वो भी चालान कर रहे हैं रेगुलर जो है ऑनलाइन चालान। तो जिले के लोग यातायात नियमों को हालांकि फॉलो भी कर रहे हैं, फिर भी आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे जिले को? मैं मेवात की जनता को ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारे जो SP साहब हैं श्री वरुण सुमलाल जी, उन्होंने जो हमारे ट्रैफिक के नाके, उनको जो ERV है उनको, सभी को ट्रैफिक के चालान, जो लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके फोटो खींचकर GPS कैमरा से फोटो उनके जो है कंट्रोल को भेज जाते हैं और वहां से उनके फोटो से चालान किए जाते हैं। उसमें किसी भी तरह को आदमी ये नहीं कह सकता कि मेरा चालान गलत किया है, क्योंकि वो सबूत के तौर पर उसके फोटो हमारे पास होते हैं। तो सर सारे दिन भाग दौड़ ट्रैफिक पुलिस की अगर बात करें तो बाकी अलग हटकर जो है आप ट्रैफिक व्यवस्था देखते हैं, VIP ड्यूटीज देखते हैं, ड्यूटी ट्रैफिक पुलिस किस तरीके से मैनेज कर पाते? देखो, सेवा सुरक्षा सहयोग का मतलब ये है कि हम हर तरह की ड्यूटी जैसी भी हो उस हर ड्यूटी को अपना बखूबी से निभाएं, यही हमारा जो ध्येय है। पुलिस पब्लिक के आपसी तालमेल को बेहतर बनाने की कवायद किस तरीके से जारी है आपके द्वारा? पुलिस पब्लिक के तालमेल को बनाने के लिए हम जगह जगह जैसे चौक चौराहों पे, पंचायतों में जाके लोगों को अवेयर भी करते हैं और उनसे जो है उनकी बातें लेते हैं और अपनी बातें उनको जो है समझाते हैं, ताकि जो लोग ज्यादा जागरूक हों। ओवरलोड में मेवात में काफी कमी आई है, पुलिस का प्रयास काफी रहा है, और फिर भी थोड़ी बहुत जो ओवरलोड है अपनी तरफ से, ओवरलोड वाहन मालिकों को, चालकों को क्या संदेश देना चाहोगे? ओवरलोड को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं तो सभी से यही कहूंगा भी आप जो है ओवरलोड ना चले, अगर आप चलेंगे तो आपके जो चालान किए जाएंगे और आपको जो है इसके लिए भारी भरकम जुर्माना भुगतना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ यातायात जिला यातायात प्रभारी इंस्पेक्टर जगबीर सिंह, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बेखूबी दिए और जो संपूर्ण तरीके से अपना फर्ज, अपनी ड्यूटी ईमानदारी पूर्वक मेवात के चौक चौराहों पर निभाते नजर आते हैं। ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें, ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू करने के लिए हमेशा अपनी सेवा में तत्पर रहते हैं, आप लोगों की सेवा में। रही बात यह कि हेलमेट के लिए उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यातायात नियमों को फॉलो करिए, यातायात नियमों को मानिए, अगर आप हेलमेट नहीं लगाएंगे जाहिर सी बात आपका चालान होगा, पुलिस से आप बच सकते हो, लेकिन पुलिस की तीसरी आंख से आप बिल्कुल नहीं बच सकते। जहां ANPR कैमरे जगह जगह मेवात के पुलिस कप्तान श्री वरुण सिंगला के मार्गदर्शन में लगाए गए हैं और उन कैमरों के जरिए पोस्टल चालान की प्रक्रिया चालू की गई है। और पहले लोग क्या करते थे, अगर ट्रैफिक पुलिस आपको रोक लेती है तो वो लड़ते झगड़ते थे, अब लड़ने झगड़ने से बेहतर ये कर दिया, अगर आपने हेलमेट नहीं लगा रखा है, ट्रैफिक पुलिस आपकी बाइक का, आपकी गाड़ी का या सीट बेल्ट का कोई चालान करेगी, आपका फोटो लेगी और आपको जाने दिया जाएगा, ना आपका समय भी यानी कि डिस्टर्ब आपको बिल्कुल नहीं करेगी, ना समय जाया करेगी। और सीधा अगर आप नियमों का उल्लंघन करेंगे तो आपका जाहिर सी बात है चालान आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। बड़ी विशेष सुविधा मैं इसको कहूंगा कि मेवात पुलिस संपूर्ण सुविधाओं से लेस नजर आ रही है इन दिनों, जो है ड्रिंक एंड ड्राइव से लेकर आवर स्पीड से लेकर हर तरह के जो चालान हैं वो रेगुलर किए जा रहे हैं और लगातार मेवात के लोगों को समझाने
का प्रयास किया जा रहा है ट्रैफिक पुलिस द्वारा। स्कूल कॉलेजों के माध्यम जो है छात्र छात्राओं को भी एक जो मैसेज दिया जाता है, स्कूलों में जाकर भी यातायात थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जगबीर सिंह की टीम जगह जगह स्कूलों में जाकर छात्र छात्राओं में जागरूकता फैलाई जा रही है ट्रैफिक नियमों के प्रति। उन्होंने कहा कि अगर हम जागरूक होंगे जाहिर सी बात है बदलाव भी आएगा, और अब वो बदलाव मेवात जिले में भी काफी सतर पर देखने को मिला है। लोग हेलमेट लगाकर चलने लग गए हैं, लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करने लग गए हैं। और उसने पहले भी आपको बता चुके हैं, वो साफ शब्दों में उनकी कोई द्वेष भावना नहीं है कि किसी द्वेष भावना से चालान कर रहे हैं, बल्कि उनका एक मानना है कि आप नियमों के साथ में आप चलिए, पुलिस जो है आपकी सेवा सुरक्षा का सहयोग के लिए है। आप संपूर्ण तरीके से जो है खाकी रोड पर है, और रोड पर इसलिए कि आप लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके, दुर्घटनाओं से आप लोग बच सके, और आप लोग यातायात नियमों का ज्यादा से ज्यादा पालन करें।